रियलमी ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फ़ोन रियलमी 3 प्रो। तो आज इसी के बारे में करेंगे बातें, करेंगे एक अनबॉक्सिंग और दिखाऊंगा आपको अपना पबजी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी इस फोन के साथ में। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी बातें, मैं हूं अभिषेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस टाइप से इसकी बॉक्स पैकिंग दिखती है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रो लिखा हुआ है। इसके अलावा इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे कैमरा के बारे में, स्क्रीन साइज और प्राइस के बारे में भी। तो प्राइस इतना नहीं है, प्राइस इससे कम है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कितने का है। उसके अलावा बैटरी का इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप साइड में देखें तो यहाँ लिखा है रियलमी 3 प्रो। उसके अलावा पीछे की तरफ में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा इस तरफ में भी रियलमी 3 प्रो, इधर R का लोगो। तो बस अब इसे खोल देते हैं और दिखाता हूँ अंदर के कंटेंट्स के बारे में। तो ये इस तरीके से खुलता है और खोलने के बाद सबसे ऊपर में आपको एक ये छोटा सा केस मिलता है, जिसमें के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि एक ये TPU केस रखा हुआ है। इसके साथ में ही आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का TPU केस है जो काफ़ी अच्छी वेल फिनिश के साथ में आता है। इसके अलावा कुछ क्विक स्टार्ट गाइड हैं, तो इन्हें भी हम रख देते हैं फिलहाल के लिए साइड में। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये फ़ोन रखा हुआ है। आगे दिखाता हूँ इस फ़ोन के बारे में, फिलहाल रखते हैं इसे साइड में। इसके अलावा अब हम इसे देखते हैं और क्या है इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक वूक चार्जर रखा हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा है, और जो इसकी पावर रेटिंग्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो इसकी पावर रेटिंग्स है वो 5 वोल्ट 4 एम्पियर्स की है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे रखा हुआ है इसका एक ये डेटा केबल, जो कि टाइप सी डेटा केबल नहीं है। तो इस फ़ोन के साथ में अभी भी टाइप सी डेटा केबल नहीं आती है। तो फिलहाल रख देते हैं इसे हम बॉक्स में और आप बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। तो मैं इसे कर देता हूँ बूट और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस, जो इसका ओवरव्यू है। तो फिलहाल ये बूट हो गया है, हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन दिखता है। लेफ्ट साइड में फ़ोन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर दिखता है। साथ ही यहीं ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम ट्रे लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक लगा हुआ है। उसके अलावा चार्जिंग के लिए स्लॉट है, स्पीकर है, और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ड्यू ड्रॉप नॉच है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्यू ड्रॉप की तरह नॉच बना हुआ है, जिसमें कि एक कैमरा लगा हुआ है जो कि है 25 MP का। इसके अलावा पीछे की तरफ आप देखिए तो यहाँ पे 2 कैमरे और 1 LED फ्लैश लगी हुई है, जो कि है आपकी 16 MP प्लस 5 MP की। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा हुआ है। नीचे की तरफ में रियलमी की ब्रांडिंग लगी हुई है। तो इतना ही था इसका ओवरव्यू। यहाँ सामने की तरफ में आपको कोई भी फ्लैश नहीं मिलता है। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ फटाफट से सेटअप और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ इस फोन के बारे में। तो दोस्तों इसे मैंने कर दिया है सेटअप। तो आप देख सकते हैं फ़ोन कुछ इस टाइप से दिखता है। ओके करने पर जब ये ऑन हो जाता है तो सारा सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी फास्ट इसका UI दिया हुआ है। इसके अंदर जो UI दिया हुआ है वो है कलर OS 6। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और आपको दिखाता हूँ कि अबाउट फ़ोन में इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले तो इसके अबाउट फ़ोन फीचर में और देखते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो अबाउट फ़ोन ये रहा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि यहाँ पे ये कलर OS चला रहा है वर्जन 6 का। इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 चल रहा है। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन Qualcomm 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा है। रैम इसमें 4 GB की है। इंटरनल स्टोरेज इसमें 64 GB का है, जो कि आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कर्नल वर्जन देखेंगे तो ये 4.9.112 है, और जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट लेवल है वो 5 मार्च 2019 का है। तो इतना ही था इसके अबाउट फ़ोन में। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा अगर आप देखें दोस्तों, तो सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक 25 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। इसमें आपको कोई भी फ्लैश नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला तो है वीडियो का,
दूसरा है यहाँ पे आपका फोटो का, और तीसरा है आपका पोर्ट्रेट का। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं ये कुछ ब्यूटी मोड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हुई है, जैसे नाइटस्केप, पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप, स्लो मो, इस टाइप से। तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं HDR वगैरह कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो अब अगर आपको फ्रंट में अगर फ्लैश लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो जो इसकी स्क्रीन है वो ही फ्लैश का काम करती है। इसके अलावा पीछे की तरफ में यहाँ पे फ्लैश तो दिया ही हुआ है। तो मैंने इसके साथ में कुछ सेल्फीज और कुछ इसके जो सैम्पल फोटोज है वो लिए हैं। तो आप देखिए इसमें कितनी अच्छी डिटेलिंग्स आई हुई है। मैंने इसमें नॉर्मल भी लिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड में भी लिया हुआ है, सेल्फी ली है, नाइट मोड भी है इसमें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि करके मैं आपको सारी चीजें इसमें दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए अब बैक चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें पबजी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि इसके अंदर में 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, और इसके अलावा जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है 710, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 710, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर में बना हुआ है। तो देखते हैं इसमें पबजी का एक्सपीरियंस हमें कैसा मिलता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं पबजी इसमें और देखते हैं कैसा है इसका पबजी का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों चलिए इसको सेट करते हैं। इसको सबसे पहले तो हाई एंड ग्राफिक्स में, तो सबसे पहले मैं इसे सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे सेट कर रखा है HD और हाई पे इसका रेजोल्यूशन वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं UltraHD सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा है कमिंग सून, तो ये वाला तो इस पर अभी चल नहीं रहा है। तो देखते हैं इसके बाद में एक और दिया हुआ है HDR, तो ये भी नहीं चल रहा है। ये भी बोल रहा है कि आपके डिवाइस पे आने वाला है। तो फिलहाल हमारे पास जो सबसे हाई एंड अवेलेबल है वो HD और हाई का है। तो चलिए इसे ही हम सेट करके इसको शुरू करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं गेम को और देखते हैं कि ये कैसा है, इसके ऊपर में परफॉर्म करता है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि आप, मैंने इसे हाई एंड पे सेट कर रखा है और इसमें फिलहाल कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। इसे मैंने एकदम हाई एंड ग्राफिक्स के ऊपर में सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चल रहा है। कोई भी लैग, कोई भी फ्रेम ड्रॉप, इस टाइप से कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक ये काफी अच्छा फोन है हार्डवेयर के मामले में। जो स्क्रीन साइज इसमें दोस्तों मिलती है वो भी काफी अच्छी स्क्रीन साइज इसमें है, जो है 6.3 इंचेस की स्क्रीन, जो कि है Full HD+ सपोर्ट करती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पबजी गेम चल रहा है। तो आपको इस पे पबजी गेम खेलने का भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों जो इसमें बैटरी लगी हुई है वो 4045 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, इसको निकाला नहीं जा सकता है इसमें से। तो जो इसको चार्ज करने के लिए इसका चार्जर दिया हुआ है वो कंपनी ऐसा कहती है कि 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, वो चार्ज दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इतनी बड़ी बैटरी को इतनी जल्दी चार्ज कर देना अच्छी चीज है। आजकल वैसे भी पावर की कमी होने लगी, इतना ज्यादा हम फोन यूज करने लगे हैं। तो चलिए अब आगे कुछ आपको इसके वीडियो सैंपल्स भी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने इसी फोन से रिकॉर्ड किए हुए हैं। दोस्तों अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो Realme 3 के कैमरे से ही देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका ऑटो फोकस वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको। ऑटो फोकस भी इसका अच्छा है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन फिलहाल हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको चल के भी दिखा देता हूँ। तो आप इसका स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसका स्टेबलाइजेशन है। तो आप लोगों को मैं इसका स्टेबलाइजेशन भी दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा तेज़ी से चलता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो फिलहाल कुछ ऐसा इसका कैमरा, वीडियो कैमरा कौन काम करता है। के अंदर जो फेस अनलॉक का फीचर दिया हुआ है वो भी काफी फास्ट है, और फिंगर अनलॉक का भी काफी फास्ट है। तो ओवरऑल अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर आप Redmi Note 7 Pro लेना चाहते हैं तो आप ये फोन भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप कुछ चीजों के ऊपर में ध्यान ना दें, जैसे कि इसमें यहाँ पे अभी भी माइक्रो USB केबल का ही ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं Redmi Note 7 में Type-C का ऑप्शन आ गया है। इसी तरह कई और चीजें हैं, जैसे कि कैमरे में यहाँ पे 16+5 का कॉम्बिनेशन दिया है, उसमें 48 का दिया हुआ है। तो इसी तरीके से छोटी मोटी करके इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी थोड़ा सा अलग। तो बस
इतना ही था इसमें। और एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों कि ये डुअल वोल्टी सपोर्ट करता हुआ फोन है। इसमें जो आपको सिम ट्रे मिली है वो दोस्तों डबल नैनो सिम सपोर्ट करती है, साथ ही उसी में आप अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और बाकी परफॉर्मेंस तो इसका काफी अच्छा है। तो बस दोस्तों इतना ही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर इस फोन के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में आपको।